आज सूरज दो प्रकार की दुनिया में उगता है, शहरों में उसकी भीड़ भरी गलियों में, उसकी रोज की नीरस जिंदगी में, उसकी व्यस्त सुबह में, समय से विद्यालय पहुंचने के लिए भागते बच्चों में और दफ्तर के लिए दौड़ते लोगों में, गगनचुंबी इमारतों से ढके आसमान में धीरे धीरे चढ़ता सूरज। निसंदेह वह प्रदूषण से भयभीत तो होता ही होगा, और दूसरी तरफ गांव की सुनसान गलियों में, मंदिर की घंटी से टपकती ओस की बूंदों में, रात भर गांव के पथरीले रास्तों पर कड़ी गश्त देने के बाद ऊंघते कुत्तों में, आराम से माँ का दूध पीते बछड़े में, विविध भारती पर कोमल व मधुर सुप्रभात में, ओस की बूंदों से नहाकर पहाड़ों के पीछे से निकलता सूरज। किसी समय में ये दुनिया एक ही हुआ करती थी, जहां न कोई बाधा थी और न ही कोई सीमा। गांधी जी ने 60 वर्ष पूर्व ऐसे ही आदर्श दुनिया की उम्मीद में घोषणा की थी कि गांव की प्रगति में ही देश की प्रगति है। लेकिन स्वाधीनता के बाद देश पर शासन करने वाले हमारे अपने राजनीतिक नेता गांधी जी के इस विचार को समझ नहीं पाए। इसके उलट उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया की प्रगति और आधुनिकता शहरों और उद्योग के विकास से ही प्राप्त की जा सकती है। प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे मन में बैठे लालच को नहीं। जैसे जैसे शहर बढ़ते गए, हमारे गांव अंधकार में डूबने लगे। शहरों और गांवों के बीच खाई गहरी बनती गई। परिणाम यह हुआ कि न केवल मानवीय संबंध खराब हुए, बल्कि रिश्ते और रिश्तों के मूल्य भी पूर्णतः बिगड़ गए। इतना ही नहीं, निजी जीवन और व्यवसाय को भी नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं, न केवल संयुक्त परिवार बिखरे, बल्कि भाई बहन में भी संपत्ति व भौतिक विलासिता की चीजों के लिए कड़वाहट देखी गई। आज के जीवन में धन और भौतिक विलासिता के जुनून पर जब विचार करते हैं, तो सही सही यह पहचानना कठिन है कि यह विकार हमारे जीवन में कब शामिल हुआ। परंतु इसके दुष्परिणाम हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं। धन और भौतिक खुशियों के लिए लालच मानव हृदय में इस कदर घर कर गया है कि वह हमारे जीवन को दीमक की तरह खाता जा रहा है। यह तक कि हमारी खानपान की आदतें भी इससे बच नहीं पाई है। हम आधुनिकता के नाम पर अस्वस्थ व अवैज्ञानिक मार्ग पर चल रहे हैं, और फिर बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और महंगे अस्पतालों का आश्रय ले रहे हैं। यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि शहरी जीवन की सोच हमें प्रकृति और प्राकृतिक उपचार से दूर ले जा रही है। वह सब कुछ जो आधुनिक है हमें सम्मोहित करता है। इस आधुनिकता की खोज में हम धन को ही भगवान की तरह पूज रहे हैं। फिर किस तरह हम इस दौड़ को, जो पैसे, आधुनिकता और भौतिकता के पीछे अग्रसर है, रोक पाएंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या सादगी इसका उत्तर हो सकती है? जंगली जानवरों को ही देखिए, वे शिकार करते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, न कि लालच को पूरा करने के लिए। इसी प्रकार संपूर्ण प्रकृति संतुलित है, पर प्रकृति ने मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति दी है, जिससे हम अपने जीवन को नियंत्रित व अनुशासित बना सकते हैं। लेकिन भौतिक सुखों से भरपूर जीवन शैली को अपनाने के कारण हम धन इकट्ठा करने की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। हम आवश्यकता और लोभ के बीच में अंतर करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं।
हम इस दिशाहीन दौड़ में शामिल होकर अपने पर्यावरण को भी नष्ट कर रहे हैं। भूमि, जल, पशु और प्रकृति के दूसरे तत्वों के साथ मनुष्य भी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ा तो प्रकृति के संतुलन पर उसका विपरीत असर पड़ता ही है। प्रकृति पर पड़ते इस खतरनाक और विनाशकारी असर से अनभिज्ञ मनुष्य आज विनाश की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रकृति खुद को संतुलित रखने में असहाय महसूस कर रही है। इसके विपरीत गांव में परिस्थिति अभी बहुत ज्यादा नहीं बदली है। लोग अभी भी खेतों में परिश्रम कर रहे हैं तथा उचित भोजन पद्धति व अनुशासित जीवन के साथ साथ अपने काम और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। लेकिन कब तक ये लोग शहरी जीवन की चकाचौंध से बच पाएंगे? धीरे धीरे ग्रामीण भी शहरों की ओर खींचे जा रहा है। धन की माया ऐसी है कि उसका सिर्फ चमकीला पहलू ही दिखाई देता है, बुराई नहीं। नतीजा, गांव कम हो रहे हैं और शहर व उनमें झुग्गी बस्तियों की संख्या बढ़ रही है। वह व्यक्ति जो हजारों एकड़ जमीन का मालिक हुआ करता था, अब शहर में एक वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रहा है। सुबह से लेकर रात तक जिंदगी को इकट्ठा करने की कोशिश में भागता दौड़ता रहता है। प्रायः देखने में आता है कि शहरी व्यक्ति को ग्रामवासियों से उतना सम्मान नहीं मिलता। इसी प्रकार शहरी व्यक्ति भी अब एक ग्रामवासी की इज्जत नहीं करता, बल्कि उसका अपमान करता है। इस तरह के सामाजिक मूल्यों व रवैयों में बदलाव आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गांव शहरों के बिना जीवित रह सकते हैं, पर क्या शहर गांव के बिना बच पाएंगे? आज के समय में व्यक्ति की आमदनी को जितना मान दिया जाता है, उतना उसके व्यवसाय को नहीं दिया जाता। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम भूल गए हैं कि व्यक्ति की अपनी उपलब्धियां उसके जीवन को मूल्यवान बनाती है, उसके द्वारा कमाया हुआ धन नहीं। एक ग्रामीण सुनार भी हो सकता है और कुम्हार भी, लेकिन उसे अपने व्यवसाय पर गर्व होना चाहिए। पर दुख की बात यह है कि हजारों लोगों के बीच एक मजदूर बनकर शहर में काम करना बेहतर माना जाता है, बजाय अपने गांव में अपने मन का काम करके इज्जत पाना। इंसानों के इस अथाह सागर में अपनी मौलिक पहचान को ढूंढते हुए ये प्रश्न मन को विचलित जरूर करते होंगे। आत्मिक खुशी देने वाले काम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। दुर्भाग्यवश अंधाधुन आधुनिकीकरण और प्रकृति का अनादर करने की हमारी आदत के कारण फसलों को नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह हो चली है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों को अनदेखा करना अब मुश्किल हो गया है। रसायन से ओतप्रोत खाद्य पदार्थ अब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, तो पता चलता है कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का उत्तर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इसे अपनाएं और इसका अनुसरण करें। हमारी बंजर होती धरती को एक बार फिर उपजाऊ बनाना अभी भी पूरी तरह संभव है। इसे संभव बनाने के लिए जरूरत है ग्रामीण जीवन की केंद्रीय व्यवस्था और कृषि की प्राथमिकता को आपस जोड़ने की, न कि बिना सोचे समझे रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करने की। हमें प्रचार करना चाहिए जैविक खाद के उपयोग व पशुपालन का, ताकि जैविक खाद से खेतों में पैदावार बढ़ सके। इसी प्रकार दूध और गोबर गैस का उत्पादन कर
हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बचे हुए दूध को बाजार में बेच भी सकते हैं। यह प्रयोग आसान व बहुत असरदार है। यह न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारी कृषि व जमीन में भी नई जान फूंक सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हम इतने सरल और मूल्य आधारित जीवन का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं? ये आज भी संभव है। हम अपने इस रास्ते से इसलिए भटक गए हैं क्योंकि हमें जो शिक्षा मिली वह शहरी जीवन को बढ़ावा देती है और गाँव को नकारती है। वह बताती है कि गाँव सिर्फ गरीब लोगों के रहने की जगह है। हमें जरूरत है अपनी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की और सुनिश्चित करने की कि आज के बच्चे गांव और ग्रामीण जीवन के प्रति संवेदनशील हो। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि गांव ही शहरों का आधार है, इसीलिए ये हमारे स्वयं के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जितना स्वतंत्र व स्वस्थ जीवन ग्रामीण लोग जीते हैं, उतना ही शहरी भी जी सकते हैं। शहरी लोगों को इस परिवर्तन में हिस्सा लेने के लिए अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। आइए मिलकर एक नए युग का सूत्रपात करें। एक ऐसा युग जो हमें प्रभावित करता हो, एक ऐसा युग जिसमें दोनों प्रकार की दुनिया का समावेश हो, जो सरल और सुकून भरा हो, जो उत्कृष्ट हो और जो सर्व मंगलमयी हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला श्यामलां मातरं वंदे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी मधुरभाषिणी सुखदा वरदा।